पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में देश भर में श्रद्धांजलि सभा सहित अन्य आयोजन किए गए। इसी कड़ी में देवास जिले के काटाफोड़ में कांग्रेस द्वारा भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे। देश भर में हर साल 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों की याद में आयोजन किया जाता है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर ब्लॉक नगर एवं युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा महात्मा गांधी चौराहा काटाफोड़ पर शहीदों की याद में एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परंतु फिर भी सीने में इतना बड़ा दिल रखता है, इतना गौरवान्वित होता है कि वो देश के लिए अपनी जान देकर अपने सर्वस्व न्यौछावर करा। मैं इन शहीदों की शहादत पर कोई अन्य प्रतिक्रिया न करते हुए सिर्फ सरकार से एक ही आग्रह करता हूँ कि इन्होंने जो अपने प्राण न्यौछावर करे हैं देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के जाते टाइम अपने आप के जो प्राण न्यौछावर करे हैं उनको निश्चित आप इंसाफ दिलाएं। सब लोगों से यही एक आग्रह है, इस सरकार से भी यही एक आग्रह है। सभा के दौरान कांग्रेस नेता राजेश होलानी, पूर्व बीईओ आरसी तिवारी, श्रीनिवास तिवारी, जिला प्रवक्ता निर्मल पुरोहित, रामेश्वर शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, अर्पित जायसवाल ने संबोधित करते हुए पुलवामा हमले में शहीद जवानों को शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी चौराहे पर नागरिकों के द्वारा 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, अपनी माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, और कुछ लोग अपने दोपहर न्यूज के लिए सतवास तहसील के काटाफोड़ से द्वारका शर्मा की रिपोर्ट।